दोस्तों देखिए बैक कटिंग ये हो गई है, अब हम बैक को साइड में रखेंगे, साइड में रख के फ्रंट की कटिंग करेंगे। दोस्तों बैग को पहले हमको इसको ऐसे उठा के ऐसे रखेंगे, अब इसके बाद हमको इसका चेक पहले आगे से चेक को मिलाना होता है, मिला के उसके बाद हम सारे निशान को लगाते हैं। इसको देखिए यहाँ दोस्तों, यहाँ से देखिए चेक को ऐसे हम बैठा के अब आगे जो है हम इसको नाप के सीधा कर लेंगे। दोस्तों पहले बैक देखिए हम एकदम सीधी रख के पहले हम ऊपर से नीचे तक ऐसे चेक कर लेंगे कि हमारी बैक एकदम सीधी है कि नहीं है। देखिए बैक हमारी एकदम सीधी है, अब हम सारा निशान को लगा लेंगे। चलिए अब हम इसको पहले ऊपर का निशान ऐसे लगा लेते हैं। देखिए पहले कैसे सीधा निशान लगा के, अब इसके बाद देखिए पहले हमको शोल्डर का जो है निशान जो है एकदम ऐसे रख के निशधारी पे चेक जो है चेक पे चेक हमको ऐसे मिलाना है ऊपर से, मिला के उसके बाद हम सारा निशान स्टार्ट करेंगे। देखिए ऐसे हमने मिला लिया है, मिला के पहले हम एक ऐसे निशान लगा लेंगे। अब ये निशान को हम पहले थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ऐसे सीधा करके अब देखिए हम इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे रख के यहाँ पहले एक निशान लगा लेंगे। यहाँ से सीधे वाले निशान से 2 इंच नीचे हम डाउन करके पहले ऐसे एक निशान लगा लेंगे, और ऐसे निशान लगा के जितना हमारा बैक का जो है शोल्डर है इतने पे हम एकदम फ्रंट का भी निशान ऐसे लगा लेंगे। फ्रंट में हम छोटा नहीं रखते हैं, छोटा रखेंगे तो जो है इसका चेक बैठेगा नहीं। अब इसको हम साइड रख लेंगे। अब हम ये इसको मिला लेंगे। अब दोस्तों जो है हम इसका निशान देखिए लगाते हैं, ये सीधे वाले निशान से चेस्ट का हम 8वां भाग रखेंगे, यहाँ पे 8वां भाग रख करेंगे। 41.5 इंच चेस्ट है तो ये करीब 5.25 इंच आएगा, इसमें 0.5 इंच और ऐड करके 5.25 इंच पे देखिए हम ऐसे निशान लगा देंगे। ये 5.25 इंच हो गया, और इसी निशान को जहाँ तक ये आ रहा है इसको पहले हम एकदम सीधा निशान लगा लेंगे। तो ये यहाँ से आगे से देखिए आ रहा है करीब 2 इंच, यहाँ पर भी हम 2 इंच पे निशान लगा देंगे, यहाँ पर भी हम 2 इंच पे निशान लगा देंगे। अब हम सारे इसको निशान को पहले सीधा कर लेंगे। ये हो गया, अब हम यहाँ से 2 इंच पे पहले निशान लगाएंगे। ये 2 इंच हो गया, यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम इसको जो है सीधा ऐसे कर लेंगे, सीधा करके इसको ऐसे चौकोर रख सकते हैं, हम राउंड कर देते हैं, यहाँ से इसको ऐसे राउंड करके मिला लेंगे ऐसे। अब ये सीधे वाले निशान से 1.25 इंच पे हम पहले एक निशान ऐसे लगा लेंगे, 1.5 इंच हो गया। अब इसको यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे मिला लेंगे ऐसे। अब हम आगे पहले यहाँ पे 4.5 इंच का एक निशान लगाएंगे, 4.5 इंच हो गया, और यहाँ पर हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए 4 इंच हो गया, यहाँ पर भी 4 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से जो है हम सारा निशान लगाएंगे।
पहले देखिए इसको पूरा हम ऐसे नाप लेंगे, ये आ रहा 8.5 इंच, इसमें जो है 3 सूत माइनस करेंगे तो 8 इंच एक सूत आएगा। तो इस पे इस निशान पे हम ऐसे 8 इंच एक सूत को ऐसे रखेंगे, रख करके 41.5 का आधा कर लेंगे, तो 41.5 का आधा करेंगे तो 21.25 इंच आएगा। 21.25 इंच पे हम ऐसे निशान लगा लेंगे। ऐसे ही पेट का हम देखिए नापेंगे, पेट देखिए 7 इंच आ रहा है तो इसमें 3 सूत माइनस करेंगे, 6.5 इंच एक सूत आएगा। तो 6.5 इंच एक सूत को इस निशान पे हम ऐसे रख के पेट देखिए 39 है, 39, तो 39 का हम आधा करेंगे, 19.5 आएगा, 19.5 पे हम ऐसे निशान लगा लेंगे। इसी तरह से हम हिप को भी हम नापेंगे, हिप देखिए 7.5 इंच है, 3 सूत इसमें माइनस करेंगे, 7 इंच एक सूत आएगा। इस निशान पे 7 इंच एक सूत को हम रखेंगे और यहाँ से ऐसे रख के 41.5 इंच हिप है उसका आधा करेंगे, 21.25 आएगा, 21.25 पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। अब हम पहले एक ऐसे निशान लगा लेंगे। अब हमको जो है इस निशान से इस निशान तक जो हम निशान लगाए हैं इसको पहले हम ऐसे स्केल को हम ऐसे रखेंगे, रख करके हम लंबाई का निशान चेक करेंगे। लंबाई हमारी देखिए 28.5 इंच आ रही है, तो जो है 28.5 को हम ऐसे लंबाई चेक करेंगे। 28.5 में आधा इंच आप इसको बढ़ा के आप निशान लगा दीजिए, ऐसे। अब इस निशान को पहले आप ऐसे सीधा कर लीजिए, शेप स्केल से ऐसे सीधा रहेगा। अब ये सीधे वाले निशान से 2.25 इंच पे पहले एक निशान ऐसे लगा लीजिए, 2.25 निशान लगा के पहले पॉकेट का देखिए हम निशान लगाते हैं। पॉकेट का निशान देखिए हम 9.5 इंच पे लगा देंगे, इसको ऐसे निशान लगा के पहले हम इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। एक ये पॉकेट का निशान हो गया, एक यहाँ पे कांच का निशान हो गया, यहाँ पे दूसरे कांच का निशान लगा देंगे। यहाँ से 4.5 इंच पे हम निशान ऐसे लगा लेंगे, 4.5 इंच पे ये दूसरे कांच का निशान लग गया। अब हम यहाँ से यहाँ तक इसको इसके आधा इंच नीचे तक हम इसको शेप दे के मिला लेंगे। ऐसे और इसमें आधा इंच करीब हम और दाब दे देंगे जो सिलाई में हमारा जाएगा। ये हो गया। अब हम यहाँ से तख्ती का निशान लगाएंगे, तो चेस्ट देखिए हमारा 41.5 इंच है, तो 41.5 का जो है हम चौथाई करेंगे तो 10 इंच 3 सूत आएगा। 1.25 इंच माइनस करके हम निशान लगा देंगे, तो 1.25 इंच दोस्तों हम माइनस करेंगे तो 10.5 इंच करीब आएगा। तो 10.5 पे हम देखिए ऐसे निशान लगा देंगे, ये यहाँ तक हो गया ऐसे। अब ये निशान से 2 इंच पे आगे एक निशान ऐसे लगाएंगे और इसका मोढ़े का निशान देखिए हम ऐसे लगा देंगे। ऐसे अब हम ये वाले निशान से 2.25 इंच पे पहले एक निशान ऐसे लगाएंगे और पॉकेट की साइज़ हम 4 इंच की रखेंगे, 4 हो गया, और इसका सेंटर कर देंगे, 2 इंच पे ऐसे निशान लगा लेंगे। और यहाँ से इस निशान तक देखिए पहले हम नापेंगे, देखिए 6 इंच आ रहा है इस, तो यहाँ पर भी हम 6 इंच पे ऐसे निशान लगा देंगे और इस निशान से 1.25 इंच आगे एक निशान लगाएंगे। तो ये 1.25 इंच आगे एक निशान ऐसे लगा दिए हैं। अब इस निशान से हम पॉकेट की साइज़ रखेंगे, पॉकेट हम 6 इंच की रखेंगे, तो ये 6 इंच हो गया। और ये इस निशान से 0.5 इंच पीछे एक निशान और लगा लेंगे। यहाँ से जितना ये है इतना ही हम नीचे तक भी जो है निशान लगा लेंगे। अब ये यहाँ से यहाँ तक हम मिला लेंगे। ये हो गया। अब यहाँ से
आधा से पौना इंच हम जो है ऐसे निशान लगा के ऐसे हम निशान लगा देंगे। यहाँ से यहाँ तक पहले हम एक निशान इसको ऐसे सीधा लगा लेंगे। अब हम इसका ब्रश रख देंगे, ब्रश हमें जितना रखना है हम 2 इंच का ब्रश रख रहे हैं। 2 इंच पे निशान लगा के हम जो है इसका निशान लगा देंगे। ऐसे और इसमें 1/2 इंच दाब दे देंगे जितना हमको सिलाई में डालना है। वॉलेट पॉकेट के निशान लगा लेंगे ऐसे। ये हो गया और सेंटर से और यहाँ तक हम पहले एक निशान ऐसे लगाएंगे पॉकेट से करीब 2 से 2.25 इंच नीचे हम एक निशान ऐसे लगा देंगे। दोस्तों इधर का निशान देखिए लग गया, अब हम दामन का निशान लगा देते हैं। ये हो गया। अब दोस्तों हम इसको जो है पूरा ये निशान हम लगा लेंगे फाइनल। तो दोस्तों देखिए इसमें 3 सूत इधर सिलाई में जाता है, 3 सूत इधर सिलाई में जाता है। तो ये हो गया 1/2 इंच, यहाँ भी 1/2 इंच, यहाँ भी 1/2 इंच हो जाएगा। अब ये सीधे वाले निशान पे पहले देखिए हम इसकी लूजिंग रखते हैं। लूजिंग देखिए ऊपर हम 2.5 इंच रखेंगे, ये 2.5 इंच हो गया। पेट पे हम 1.5 इंच रखेंगे, 1.5 इंच हो गया। यहाँ पर हम 1.25 इंच रखेंगे। दोस्तों 2.5 इंच इसलिए रखेंगे क्योंकि इसमें अंदर वेस्ट कोट भी कस्टमर को पहनना है, इसलिए चेस्ट पे 2 सूत बढ़ा के रखा जाता है। अब देखिए हमको इसका फाइनल निशान लगाना है। तो पहले देखिए हम इसको पैक को ऐसे नापेंगे, 8.5 इंच आ रहा है, इसमें 3 सूत माइनस करेंगे तो 8 इंच 1 सूत आएगा। तो ये 2.5 इंच वाली जो हमने निशान लगाया है इसी निशान पे हम 8 इंच 1 सूत को हम ऐसे रखेंगे। यहाँ देखिए इसको ऐसे रख के और यहाँ तक हम पहले इसको नापेंगे, देखिए कितना आ रहा है। देखिए आ रहा है 17.3 इंच, तो इसमें 3 सूत हम यहाँ से ऐसे माइनस कर लेंगे, ये जो सिलाई में जा रहा है, और 3 सूत यहाँ पर पे हम निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए अब 17 इंच यहाँ तक आया हुआ है, इसको 17 को हमको इस ये वाले निशान पे ऐसे रख लेंगे। ऐसे रख के अब हम फाइनल देखिए निशान लगा लेंगे। चेस्ट देखिए 45.5 उसका आधा करेंगे तो 21.25 इंच आएगा। तो यहाँ पर भी जो है 3 सूत बढ़ा के 21 इंच 1 सूत पे हम ऐसे देखिए निशान लगा। से हम पेट का निशान दोस्तों हम लगाएंगे। पहले हम इसको पूरा नाप लेंगे, देखिए 7 इंच आ रहा है, इसमें 3 सूत हम माइनस करेंगे, 6.5 इंच 1 सूत आएगा। तो 6.5 इंच 1 सूत वाले को इस निशान पे हम ऐसे रख लेंगे। ऐसे रख के अब हम यहाँ तक देखिए इसे नापेंगे, यहाँ जितना सिलाई में जाएगा यहाँ हम ऐसे निशान लगा लेंगे। यहाँ तक हमारा सिलाई में जाएगा इतना दब जाएगा। अब जितना देखिए आ रहा है ये 16.5 इंची, तो 16.5 को जो है अब हम इधर जितना सिलाई में जाएगा यहाँ ऐसे निशान लगा के 16.5 को अब हम ये वाले निशान पे ऐसे रख लेंगे और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। पेट देखिए 39 इसका आधा करेंगे तो 19.5 इंच आएगा। और यहाँ पर भी 3 सूत ये बढ़ेगा, 1/2 इंच और इसमें बढ़ा के 20.5 में 1 सूत कम पे देखिए हम ऐसे निशान लगा देंगे। ये हमारा फाइनल निशान हो गया है। हिप को भी देखिए हम ऐसे ही नापेंगे, हिप देखिए हमारी 7.5 इंच है, तो इसमें भी हम जो है 3 सूत माइनस करेंगे तो 7 इंच 1 सूत आएगा। 7 इंच 1 सूत को हम इस निशान पे 2.25 इंच वाले निशान पे हम ऐसे रखेंगे। ऐसे रख के ऐसे ये देखिए यहाँ पर जो है 3 सूत ऐसे सिलाई में जाएगा और यहाँ पर भी 3 सूत ऐसे सिलाई में जाएगा। तो ये देखिए आ रहा है 15.5 में
एक सूत कम, 15.5 में एक सूत कम वाले को निशान इस पर हम ऐसे रखेंगे और हिप का हम पहले आधा करेंगे, 41.5 इंच हिप है, 21.5 आएगा, इसमें आधा इंच और ऐड करके 21.25 पे हम देखिए ऐसे निशान लगा लेंगे। ये हमारा निशान फाइनल हो गया, इसको हम कट कर देंगे। अब हम सारे निशान को देखिए मिला लेंगे। अब यहाँ हम ऐसे डॉट का जो हम इतना काट के निकालेंगे उसका हम एक ऐसे निशान लगा दे रहे हैं, और जितना हमारा ये निकलेगा उतना ही हमको ये सीधे वाले यहाँ से इतना हम इसको नीचे करके निशान लगा लेंगे ऐसे। ये हो गया। अब हम चौक का निशान लगा लेते हैं। चौक देखिए हमने 7 इंच की रखी थी, इसको ऐसे निशान लगा लेंगे। निशान लगा के हम इसमें दाब दे देंगे पहले ऐसे। ये हो गया। ये हो गया। अब हम नीचे दाब वाला निशान लगा देंगे यहाँ से 2.25 इंच पे, और यहाँ से भी 2.25 इंच पे निशान लगा के इसको पहले हम ऐसे सीधा कर लेंगे। ये हो गया दोस्तों, निशान देखिए ये हमारा लग गया है। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। कटिंग दोस्तों पहले हम एक ऊपर वाले पल्ले इसको कटिंग करेंगे। दोस्तों देखिए अब हमको देखिए शोल्डर की धारी बैठाना है और ये आगे फ्रेंड की धारी बैठाना है, तो पहले हम फ्रेंड की देखिए ऐसे धारी बैठा लेंगे। दोस्तों धारी बैठ गई है, अब चलिए हम इसकी कटिंग कर देते हैं।